हाँ तो बच्चों, आज हम लोग ध्वनि पाठ के अंतर्गत एक छोटा सा गतिविधि करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग देख पाएंगे कि कंपन करती हुई वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, अर्थात ध्वनि के लिए कंपन जरूरी है। इसको हम लोग आसानी से देख पाएंगे कि किस तरह से वस्तु में कंपन होती है। ऐसे किसी किसी ध्वनि में कंपन को आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में कंपन का जो आयाम होता है वो इतना छोटा होता है कि वो खुली आंख से जो है हम लोग देख नहीं पाते हैं। हाँ, उसको हम लोग छू करके अनुभव कर सकते हैं। जब जैसे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हाथ रखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये हमारा जो वाक ध्वनि है वो कंपन कर रहा है। तो हम जो गतिविधि अभी करने वाले हैं, इसमें हम लोग एक पेपर का फ्लूट बनाएंगे, बहुत आसानी से हम लोग उसको बना पाएंगे, और साथ में हम लोग उससे आवाज़ भी निकालेंगे और ये भी देखेंगे कि उसमें किस तरह से वो कंपन हो रहा है। तो आइए आप हम लोग पेपर फ्लूट बनाते हैं। पेपर फ्लूट बनाने के लिए हमें एक जेरोक्स पेपर का एक 10 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर का एक आयताकार टुकड़ा लेना पड़ता है, पेपर का टुकड़ा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि इसमें लंबाई के छोर में, लंबाई के किनारे में एक हम लोग 1 सेंटीमीटर लगभग बीच में कट करेंगे, इस तरह का लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर का एक कट करेंगे, और ये वाला हिस्सा को, इधर वाला हिस्सा को हम लोग काट देंगे, और इसका भी इस साइड वाला हिस्सा को काट देंगे। आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक काटेंगे, और उसी तरह से दूसरे किनारे से भी हम लोग यहाँ तक काटेंगे, और दोनों किनारे वाले भाग को काट के हटा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास बचा हुआ है। अब एक पेन या एक पेंसिल जो बेलनाकार हो उसके ऊपर में हम लोग इसको इस तरह से लपेटेंगे। लपेटते समय हम उस पर थोड़ा सा फेविगम लगाते जाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए। इसको अच्छी तरह से इस तरह से हम लोग रोल करते जाएंगे, और अंत में भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा फेविगम लगा देंगे और इसको इस तरह से साट देंगे। साटने पर ये जो है एक फ्लूट बन गया है, एक पाइप जैसा बन गया है पेपर का, और ये जो छोर है, जो छोर हम लोग जो थोड़ा सा जो 1 सेंटीमीटर वाला जो रखे थे उसको इस तरह से दबा देंगे। इस तरह से दबाने के बाद अब अगर इसको हम लोग निकाल देंगे, निकाल करके इससे इसको जब हम लोग हवा खींचेंगे, इससे जब हम लोग हवा को अंदर की ओर खींचेंगे तो वायु के रास्ते में, हवा के रास्ते में ये जो पतला जो दिख रहा है ये पत्ती जो है ये आपका कंपन करने लगता है, और उसी कंपन के कारण एक आवाज़ जो है निकलेगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ये दो है हमारे पास, है ना, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये कंपन होती हुई आपको प्रतीत होगी, पूरी तरह से दिखाई पड़ेगा। आप लोग भी बना रहे हैं, चलिए आप लोग भी एक बार बजाइए। तो सारे लोग आसान सा गतिविधि है, इसमें हम
ध्वनि ध्वनि कोई भी ध्वनि उत्पन्न होती है तो कंपन होता है, उस कंपन को हम लोग आसानी से इसमें देख सकते हैं। धन्यवाद।